सुप्रभात सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में लेकर हाजिर हैं विक्रम सिंह जी द्वारा एक सूचना दी गई है आप सभी अधीक्षक साथियों को। ध्यानपूर्वक इस वीडियो में समाचार को जानें समझें और फिर उस पर विचार करते हुए किसी निर्णय पर पहुँचें, क्योंकि आप सभी स्वयं बुद्धिजीवी हैं। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट लाइक सब कुछ करते रहें। जब तक था आसमान में सूरज सभी का था, फिर यूँ हुआ वो चंद मकानों में बट गया। ताक में शिकारी निशाना है, बस्तियाँ आलम तमाम चंद मचानों में बट गया। जिंदा लहू तो तीर कमानों में बट गया। ये शब्द हैं अधीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह साहब के। क्यों कहा, क्यों कहना पड़ा ये शेर, हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए उनकी जो पोस्ट है। क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक संघर्ष के सामान्य अनुक्रम में हम सभी शक्तिशाली सरकार से अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असाधारण परिस्थितियों के उत्पन्न होते रहने के कारण मामले में मेरिट पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनवाई ना हो पाने की स्थिति से अवगत कराते हुए उन्होंने शुरुआत किए लिखा है, हम अधीक्षकों के अधिवक्ताओं ने अपने स्तर से अनेक प्रयास किए हैं और शीघ्र ही उपचार प्रदान करने का भरोसा भी दिया है। सहयोगी साथियों, सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ अधीक्षक साथियों ने एक नवीन याचिका पुनः कर दिया है, जिसकी न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कोई औचित्य था। बावजूद इसके सिर्फ याचिका करने के लिए याचिका करना धन एवं श्रम अमूल्य समय को नष्ट कर रहा है। मेरे विश्वसनीय अधीक्षक साथियों, मामला श्रीमान पीएस पटवाली एवं श्रीमान आर के सिंह साहब के संरक्षण में है और उन समस्त शिक्षकों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त है एवं जिसके लिए सिंगल बेंच निर्णय लिया था, अर्थात संगठन की याचिका मार्च 2017 से 17,000 कंटिन्यू टिल डेट के लिए ऑलरेडी चल रही है, जिसकी सुनवाई आगामी 1 मार्च को है। अब वर्तमान में जैसा कि संज्ञान में आया है कि कुछ लोग 5 फरवरी को होने वाली नवीन याचिका की सुनवाई के लिए अधीक्षकों से पैसे की मांग कर रहे हैं, जो सर्वदा अनुचित एवं शोषणकारी है। एक ही वाद हेतुक एक ही हित और अधिकार के लिए एक और याचिका करना औचित्य से परे है और ये याचिका भी संगठन की याचिका से कनेक्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखें, ऐसी परिस्थिति में हम अनुदेशकों की एकता और एकजुटता को अपरिहार हो जाती है। इसका सबूत देखिए, विक्रम सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका जो केस करना था वो बिल्कुल औचित्य में नहीं है। लिखा हुआ है सिमिलरिटी फाउंड इन द प्रेजेंट केस इन बेस्ड ऑन, यानी कि दोबारा याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे की पोस्ट में विक्रम सिंह क्या लिखते हैं देख लेते हैं। परिषदीय विधिक समूह आगामी 5 फरवरी के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे अधिवक्ता भी सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। क्रांतिकारी साथियों, आप सभी ने एकजुटता एवं कर्मठता से संगठन का साथ दिया है, विश्वास किया हुआ है, इसके लिए संगठन आपका सदा आभारी रहेगा। विक्रम सिंह आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है, पारदर्शिता एवं ईमानदारी को हथियार बनाकर हम अधीक्षक अपने हक और अधिकारों को जल्द प्राप्त करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की खास खबर जो कि विक्रम सिंह जी के द्वारा आप सभी अधीक्षक शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अवगत कराया गया था। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ईश्वर से प्रार्थना करते रहें सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को जो आपकी डेट लगी हो उसकी सुनवाई हो और निर्णय आपके पक्ष में आए हैं। मिलते हैं किसी खास और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे फिर से एक बार पुनः निवेदन, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए ताकि आपकी आवाज़ रुके ना, गूंजती रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए अधीक्षक न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।